स्टेटमेंट देने आया है। आप लोग समाज को हमने 5 अगस्त को हमने एक ब्रीफिंग दिया था कि हमारा 3 ईयर और हमारा जो 10 पॉइंट इशू को लेके हमने बोला कि सोशल मीडिया के थ्रू में हमने देखा कि अन्या और अंशु का बर्न कॉल डिक्लेयर करके एक प्रेस क्लब में परमिशन मांग के एप्लीकेशन को देखा, सोशल मीडिया के थ्रू मैंने देखा। उसको देखने का बाद हमने एक 5 अगस्त को एक ब्रीफिंग दिया। हमने ब्रीफिंग में क्लियर बोला हमारा टीम मोर देन हम लोग का 13 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, हमने क्लियर बोला कि हमारा 3 ईयर ओवर हो चुका है, हम एक्सटेंडेड एक्सटेंशन पीरियड में है, पर हम एक्सटेंशन पीरियड जो इलीगल एक्सटेंशन पीरियड में है और एक्सटेंशन पीरियड का टाइम में हम कोई इशू नहीं उठा सकता है। लेकिन फोर्सफुली हमारा प्रेसिडेंट ने बन कॉल डिक्लेयर किया, वो बन कॉल को हमने ओपोज किया। आज हम ये बताने आया कि हम हमारा टीम 10 पॉइंट बन कॉल को हमने क्यों ओपोज किया। हमने उसमें बताया कि ये इशू जो है 2023 का है इशू है और 24 का अभी जो 2023 में हम लोग जो रिजोल्व हो चुका है इशू को, 24 में 2024 में अभी 3 ईयर जब ओवर हो गया उसमें लेके आके जो बन कॉल प्रेसिडेंट आंसू डिक्लेयर किया फोर्सफुली हमने उसमें ओपोज किया कि ये 10 पॉइंट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल निशी सेंट्रिक नहीं है, हमारा निशी सेंट्रिक का इशू नहीं है हमने बोला। और हमारा 3 ईयर ओवर हो चुका है और एक्सटेंशन पीरियड हम नहीं कर सकते हमने बोला। तो आज आप लोग ने देखा, समाज देख रहा होगा, 10 पॉइंट इशू जो है वो कुछ कुछ 3 पॉइंट बन जाता है और 3 पॉइंट से फिर अभी एक भी पॉइंट जो है सक्सेस नहीं हुआ। अभी हाल ही में आप लोग देखा हमारा कुछ टीम, हमारा प्रेसिडेंट लीड करके कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मिला है, तो उसका रिजल्ट को हम वेट किया। डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योरशिप रिपीलिंग हुआ हुआ कि नहीं हुआ अभी पब्लिक आप देख रहा है, कोई हुआ रिटन रिकॉर्ड नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योरशिप को रिपील किया जाएगा। उसमें हमको ये भी सुनाई देता है कि ऑनरेबल जो जितना निशी एमएलए लोग 11 निशी एमएलए लोग साइन करके दिया रिपीलिंग करने के लिए, उसका लेटर को भी हम नहीं मिला कि किस बेसिस में करेगा, ना हो गया ना नहीं हुआ, ना हमेशा लॉजिस्टिक कंक्लूजन हो गया। हम सीएम को मिलने का बाद देखा है वह कुछ भी रीजन नहीं, और जैसे हमने 5 अगस्त को ब्रीफिंग किया ऐसा ही रहेगा। तो हमारा एक ये है कुछ टाइम टाइम के लिए हम अपना जब पर्सनल बेनिफिट्स के लिए चाहिए तो समाज में निकलेगा, थोड़ा नाटक करेगा, फिल्म शूटिंग करेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। अभी आप लोग देखा है समाज हमने क्या बोला, उसका पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, पर्सनल बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है। तो आज यहाँ ऐसा ही हो, तो हमारा ये पॉइंट को लेके आज ब्रीफिंग है। और उसके बाद यहाँ हम क्लियर आज बताने आए हैं हमारा स्टेटमेंट और हमारा जितना एग्जीक्यूटिव का बिहाफ से हम क्लियर यह स्टेटमेंट देने आया है। हम लोग को एलिगेशन दिया कि ये पॉइंट को लेके हम लोग को गवर्नमेंट का स्कीम बहुत लो हुआ, इसीलिए हम लोग को या उसको साथ नहीं दिया। हम इसीलिए हमारा टीम इसलिए साथ नहीं दिया कि आप हमेशा इशू उठाते हैं, आप रिजल्ट लाता नहीं।
आपका एक इशू में भी अभी तक ये किया है वो कि रिजर्व नहीं, वो आपका सिर्फ नहीं हमारा भी था, लेकिन हिदायत भाई प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का ही होता है, आप हमेशा इशू उठाता है और हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आपको इतना कोऑपरेट करता है, कोई कई एक इशू उठाओ चलो हमारा इतना एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर इतना डेडिकेटेड है, हमारा 23 एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है आपको कोऑपरेट करता है, चाहे मेरा पक्ष में रहो चाहे आपका पक्ष में अभी जो एग्जीक्यूटिव रहा है वो हमेशा आपको साथ दिया, हमने साथ दिया, लेकिन यहाँ एक भी इशू आज तक हमारा जो है सक्सेस नहीं हुआ। आप मालूम है हम लोग 2021 को इलेक्टेड हुआ, इलेक्टेड होते ही हम लोग जो कोरोना था उसका बीच में हम लोग का जो एक हमारा यह कन्वेनर बैठा हुआ है, ये हमारा एसपी जिमी चिरम का साथ में थोड़ा सा थोड़ा आर्गुमेंट हो गया, तो उसमें हम लोग को क्या अंशु पंशु आप लोग उसमें क्लियर है, उसमें हम लोग अंशु पंशु मेंशन किया गया था, लेकिन वो उसमें हम लोग ने उसको इमीडिएट ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल हम लोग जिमी चिरम को डिमांड रखा, लेकिन वो डिमांड हम लोग इशू को ये सक्सेस नहीं कर पाए। आप इशू उठाता है फिर आप रात को ही फिर मिलता है, अब रात को जिमी चिरम को मिलने चला जाता, तो उसके बाद आया हमारा ये 14 पॉइंट, आप लोग देखा 14 पॉइंट में हम लोग का निहारिका राय इंक्लूडिंग जो आईएएस जो निहारिका राय को लेके हम लोग ट्रांसफर हुआ, निहारिका राय का ट्रांसफर का अलावा या हम लोग का कुछ भी पॉइंट नहीं हुआ, और उसमें सुनने में आता है कि जितना आप लोग पॉइंट देखता है कि 14 पॉइंट में 14 पॉइंट में आप देखा है वो जो यूनिफॉर्म का सप्लाई का लेके कुछ कुछ जो टेंडर का, तो एजुकेशन सेक्टर में देखा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इशू जो है इशू रिजोल्व निहारिका ट्रांसफर का बाद देखा है पूरा वह एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूरा सप्लाई काम ही वो कर रहा, वो सप्लाई वर्क ही कर रहा, तो उसमें एक काम हमने देखा है कि हम लोग का आईएसएससी में एक जो बेडिंग का सप्लाई था 2 करोड़ जो रेसिडेंशियल स्कूल के लिए, अब उसको ये एक दलाल वो एजुकेशन का ये में एक दलाल था तिवारी उसका साथ मिलकर किया, तो एजुकेशन सेक्टर में अब अपम पारे का जो जितना और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यूनिफॉर्म सप्लाई को भी शायद उसमें सुनने में आया उसको हम इस ये नहीं है, तो ऐसा करके यहाँ अब करता है। उसके बाद फिर एक वहाँ ये एडिशनल पान चीफ इंजीनियर ऑफिसियर ईटानगर जो तिपसिनपुर का 2 करोड़ उसको आप यहाँ वो इशू में आप कंप्रोमाइज किया, तो 14 पॉइंट में भी नहीं। और उसके बाद यह आता है हमारा जो स्टेट का जो एक वाइब्रेंट इशू जो एक पेपर लीकेज एपीसीएस पेस्को, हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जितना भी है हम लोग ने ये इशू को हम लोग ने फुल डिवोटेड से हम साथ दिया, डेडिकेटेड से मरना है जीना है हम लोग यहाँ साथ दिया, लेकिन वो हेडेड बाय वो उसने इशू को भी वही हेडेड किया, आप लोग देखा जितना मीडिया ब्रीफिंग किया इशू को रखा उसने रखा, हम लोग का पॉइंट था कि हम लोग मीटिंग का दौरान ये बोले कि हम लोग सिर्फ सबको साथ देगा, लेकिन नल एंड वॉइड को हमने हमने बोला कि नल एंड वॉइड को हमने थोड़ा हमने अपोज किया, लेकिन वो नल एंड वॉइड को भी फोर्सफुली डाला, आज नल एंड वॉइड हुआ वो भी लॉजिस्टिक कंक्लूजन हो गया, उसका भी कुछ इशू अभी आउटकम नहीं है। उसके बाद वो जितना अभी जो कमिटी को लेके गया ये इशू में उसको छोड़ के वो छोड़ दिया, और यही इशू को बात करने के लिए हम लोग ने 9 जनवरी 2023 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग मेरा वाइस प्रेसिडेंट हम और मेरा ये कुछ निजी मंत्री है हम लोग वहाँ गया, तो इशू का बात नहीं करके वो अपना जो है पेंडिंग फाइल जो वो काम पुटअप किया अपना बिजनेस प्रपोज किया उसको बात करने लग गया, वहाँ उसने क्लियर एक अपना एक आरएडीएफ स्कीम में अपना एक बस्ती के लिए मांगा कि उसमें ये रखा अप्रोच रोड फ्रॉम रेसिंग टू मार्चिंग पुतू
Yogina Gekko, Geka, under Leo Poring Circle Sagali, with project cost of rupees 20 crore, executed by PWD Sagali. ये एक था उसका पायल, तो उसको दिखा के उसने बोला कि मेरा अपना मिस्टेक है। ये एक, उसके बाद में हमारा अंशु ऑफिस में ओपन ऑडिटोरियम नियर अंशु ऑफिस प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपीज 5 crore, आरसीसी वॉल नियर अंशु ऑफिस विद प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपीज 2 crore। जब उसने ये उसमें अपना पर्सनल ये किला वह बात किया, आप लोग अभी देखिए, तब से हम जो है हमने बोला कि आप जो भी इशू करिए लेकिन हम साथ नहीं। अब जब जब इशू उठाता है, आप अपना बिजनेस प्रपोज के लिए करता है, अपना पर्सनल बेनिफिट्स के लिए करता है। इसीलिए आज का दिन में यहाँ ये अंशु का नतीजा जो पैक्शन होके बैठा है, एक बिजनेसमैन यहाँ आके अंशु को पूरा बर्बाद कर दिया। एक यहाँ फिर उसमें वो फिर प्रोजेक्ट के लिए बात किया, तो हम बाद में उसको हालत ये कर रहे हैं। और उसका बाद में उसने अभी देखो बोरम में अभी नेक्सा डीलर के ऑपोजिट में जो एक रोड कटिंग चल रहा है, उसमें भी वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम बोरम विलेज टू बुक विलेज विद प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ रुपीज 15 crore, या भी उसने वो जो 10 point नहीं करने से पहले उसको मांगा है। और 10 point नहीं करने से पहले एक प्रपोजल रखा है कि न्यूबू यरकोम यरको स्कूल 45 crore का उसने प्रपोजल रखा, तो उसको नहीं किया बोल के ये 10 point और किसी किसी का ऊपर में और अपना अपना पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इतना इसको 10 point को सीरियस हो, तो उसने वो उसको उसको रखा। अभी आप लोग देख लीजिए वो रोज उसका इंटरप्राइज से काम कर रहा है। और उसके बाद हम लोग का जो एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का वहां से हम लोग को मॉडल स्कूल के लिए स्कीम बताया सब 7 district में इसी का, उसको भी यहाँ पापुमपारे का जो कोठा था, पापुमपारे का कोठा को अपने बस्ती में लेके अभी काम कर रहे हैं। और जहाँ स्टूडेंट है वहाँ एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके काम किया उसने। तो उसके बाद आता है अभी हमारा अंशु ऑफिस। अंशु ऑफिस का नाम में आप लोग देखा है 100 crores मेरा रिप्लाई में कि अंशु ऑफिस आज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है, इसलिए नहीं है। कंस्ट्रक्शन चेयरमैन जो है वो हमारा प्रेसिडेंट खुद है, वो हमको इसलिए गुस्सा किया कि हमने बोला कि आप हमारा 3 year ओवर हो रहा है, अंशु का कंस्ट्रक्शन का रिपोर्ट को हमने मांगा और रिपोर्ट का चलते हमको 100 crores दिया। तो उसमें हमारा जो टोटल कलेक्शन है अंशु ऑफिस का, अंशु ऑफिस का या टोटल कलेक्शन यहाँ पे है, हमने बोला ये हमारा 100 crores में रिप्लाई किया कि वेल वेशर 1 crore 75, 1 crore केस 35 lakhs चेक, ये हमने इसको क्लियर रिप्लाई किया। उसके बाद 50 lakhs ये सोर्सेस को हमने उसको बोला कि इसको एक्सपोज नहीं कर सकते। उसके बाद चेयरमैन ऑफ लेबर बोर्ड 20 lakhs, उसके बाद ये जो नाबम रिबिया 10 lakhs, बालो राजा 10 lakhs, निक कामिंग 10 lakhs, लिका सोनी 10 lakhs, जितना ये अच्छी हम लोग का समाज का जो है कंट्रीब्यूट करके दिया है, या टोटल रुपीज 2 crore 25 lakhs, रुपीज 2 crore हम लोग का यह आ रहा है, रुपीज 2 crore ऑफिस का। उसके बाद जितना यहाँ हमारा समाज का वेल वेशर लोग ने वह मेटेरियल्स को फ्री में वह दिया, आपका गिट्टी बालू से लेके सब कुछ कंट्रीब्यूट किया, सीमेंट तक दिया, आज हमारा अंशु ऑफिस को क्यों आप कंप्लीट करके नहीं जा रहे? हम जब ऑडिट किया तो हमको 100 crores दिया, हम लोग का टीम को पूरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को, मोर देन 15 एग्जीक्यूटिव मेंबर को 100 crores दिया। वह यह इतना मेटेरियल है, आज देखो आप अंशु ऑफिस को नहीं बना के आपका घर कंप्लीट कर लिया, अंशु ऑफिस का मेटेरियल को आपका घर ले जाता है,
तो ये सब होने का रीजन है, इसलिए आज आपको हम लोग साथ नहीं देते। ये है तो यहाँ जितना कलेक्शन है आप लोग को दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ आज जो एक एडिशनल हम लोग का 2 पॉइंट, एक ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन जो क्रिएशन कई पंजर में हुआ है, हाल ही में 3 भी स्वीकृत किया है। आप तो मेरा वही है आपसे सवाल, हमको तो प्रीवियस ब्रीफिंग में भी बोला है कि इंग्लिश पढ़ने नहीं जानता है क्या, ना आप इंग्लिश पढ़ने नहीं जानता है क्या, तो आप बायलो पढ़ने नहीं जानता, बायलो में क्या लिखा है? आप आंसू कभी भी इशू क्रिएशन नहीं कर सकता है। अभी 3 भी इशू बना के वो अपना प्रेसिडेंट मेकिंग के लिए कर रहा है, हम लोग का टीम स्ट्रॉन्गली उसको कंडेम करता है। आप किस बेसिस में आप बी इशू बनाएंगे, किस बेसिस में बना रहे? और आंसू कभी भी इशू क्रिएट नहीं कर सकता है जबकि बायलो में नहीं है। और उसके बाद यह हमारा ये को लेके अभी हम लोग डीएन कॉलेज में बायनों को जो अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग जो बनाया, सुनने में आया है उसको भी टेम्परिंग कर हम लोग ने बोला कि इच बी इशू जो है 4 कैंडिडेट रिकमेंड कर सकता है, वो 4 कैंडिडेट जो है इंक्लूडिंग कोटा पोस्ट। अभी सुनने में आया कोटा पोस्ट को टेम्परिंग हटा देगा, तो टिकट सिस्टम को हटा देगा, जो रिकमेंडेशन सिस्टम हम लोग इस बार बनाया है चेंजेस उसको भी टेम्परिंग कर रहे थे। तो आप किस बेसिस में आप टेम्परिंग कर सकता है? तो इसलिए मेरा वही है, आप बायलॉग को हम लोग का टीम का तरफ से हम लोग बी इशू क्रिएशन को टोटली हम लोग उपोज करता है, और जो 3 भी इशू बनाया है उसको हम लोग टोटली नहीं मानते। और जो 3 भी इशू से उन लोग जो अभी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का कई पंजे लोग को हम यही अपील करते हैं कि आप लोग का इतना इंटेलेक्चुअल, आप लोग इतना स्ट्रोंगेस्ट लीडर लोग हैं, आप लोग कैसे यहाँ से आप लोग विदाउट एनी इलेक्शन, विदाउट एनी कॉन्फ्रेंस यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन कैसा कर सकते हैं? ये एक यूनियन में हिस्ट्री में नहीं है। हाँ आप कॉन्फ्रेंस चेयरमैन बना के अनुपस्थित करना कर सकता है, वो बिल्कुल हम नहीं मानता है। उसके बाद जो बायलॉ को जो हम लोग का टीम स्ट्रोंगली हम लोग बायलॉ का टेम्परिंग मानो ये नहीं है, जो भी इशू इतने भी इशू जो पास किया है वही रहना चाहिए, और आप इलेक्शन को जल्दी डिक्लेयर कर देने से अच्छा है, क्योंकि कैंडिडेट लोग अभी पिछला महीना से 2-3 महीना से घूम रहा है, पूरा कैंपेन में लगा हुआ है, काफी अपना जो है खर्चा भी ज्यादा कर, इसके लिए हम अपील करता है कि आप इलेक्शन को जल्दी डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा एक्सटेंशन इलीगल एक्सटेंशन है। तो ये अभी यही चीज को हम बताने आए हैं समाज को कि ये जो 10 पॉइंट हम 5 अगस्त को जो बैठा है उसको लेके हम लोग बताने आए हैं कि आज हम जो बोला हुए हैं, हमको इतना बोला कि पूरा हर जगह मीडिया में हमको ट्रोल किया गया, आज बोलो बंद कॉल हुआ, अब यहाँ में देखे ये इतना बोन साइन किया, किसी का साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा, बोला ये 6-7 आदमी किसी का दरिया से कंप्रोमाइज नहीं करेगा, लेकिन वो कंप्रोमाइज या बोन साइन किया। तो इसीलिए आप देखो अभी फिर नेस का वामे कॉल बंद कॉल को कॉल किया गया, और नेस का मैटर को लेकर हम क्लियरिफाई करना चाहते हैं। निशी इलेक्ट सोसाइटी को हमारा टीम और हम पर्सनली हम लोग जो है बहुत हमारा एपेक्स बॉडी को हम लोग मान के चलता है, वो हमारा बायलो में हमारा एपेक्स तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो है मानता है कि हमारा एपेक्स निशी का ऑर्गेनाइजेशन है, और हम लोग उसका बात को भी आदर करता है, हम लोग उसका बात को मानता है, और सिर्फ उतना तक इतना हम नेस को दुख है। हमने बोला कि नेस्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को बोला कि ये विदाउट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव
मेंबर का कंसल्टेशन से बंद को लोग हम लोग नहीं मानता है। हम लोग 5 अगस्त को हम लोग एक लेटर दिया देश प्रेसिडेंट को कि ये बंद कॉल और एक्सटेंशन को हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन उसका बावजूद वो आप लोग अंशु प्रेसिडेंट को मना नहीं कर सका है। तो हम लोग मीडिया में निकला है तो हमको एक्शन ले लिया। अगर हम गलत है, हमको समाज से हमको गलत है, तो हमको देश अब 3 ईयर्स क्यों, अब 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, अब 50 ईयर्स भी हमको बाहर कर दो। लेकिन अब दूसरा को भी तो देखना पड़ेगा ना। अब दूसरा गलत कर रहा है उसको नहीं देख रहा है, एक को देख रहा है। हम बार बार बोला है कि हमने बोला कि हमारा 3 ईयर ओवर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। आप लोग, हम लोग प्रेसिडेंट को अपील कर रहा है कि कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वो नहीं मान रहा है। आप लोग इंटरवेन कीजिए। हमने नेश को कितना बार लेटर लिखा, आप लोग उसको नहीं कर सकता। तो आज अंशु प्रेसिडेंट ने हमेशा नेश ऑफिस में आएगा, नेश उसका बात मानेगा तो हमारा अपेक्स से बोलता है, नेश उसका बात नहीं मानेगा तो नेश कौन होता है हमको डिक्टेट करने वाला। हम लोग तो मान के चलता है। वो हमारा अनऑफिशियली हमारा पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट्स है, हम मानता है। मेरा आज हमको निशी समाज में 3 ईयर्स के लिए जो अन्या में, अंशु में, नाकोस में जो ऑर्गेनाइजेशन निशी पेरेंटिंग पेडल बॉडी में हमको पार्टिसिपेट लेने के लिए हमको जो डिवर्ट किया है तो करके तो रखा है, हम मानता है। लेकिन अब दूसरा को भी एक्शन लीजिए ना, अब एक को क्यों ले रहे हैं। तो इसीलिए हम नेश को भी अपील करते हैं कि आप लोग देखिए, लेना है तो अभी ले लिया, अभी तो मेरा हम लोग का 3 ईयर ओवर हो चुका है। आप लोग को 3 ईयर कंप्लीट का बात हम अपील करके बात करेगा। फिलहाल अभी तो हमने जो अपना मान रखने में रखा है, लेकिन हमको भी लगा है कि नेश का जस्टिफिकेशन, नेश का जो लेटर है हम रिस्पेक्ट किया है। लेकिन मेरा सिर्फ उतना अपील है, एक भी आपका जो मीटिंग को, आपका जो मीटिंग जो हम लोग का एक निशी का अंदर में जितना भी पैनल यूनिट है उसका अंदर में जितना भी जो पैनल यूनिट है उसका साथ हम लोग मीटिंग जो बैठा है, जो भी अंदर में आपस में फैक्शन है, जो अभी आपस में जो प्रॉब्लम होगा मीडिया में नहीं निकलना उधर भी, तो वो भी विदाउट एग्जीक्यूटिव कंसल्टेशन से निकला है, हमने बताया है, तो उसको भी एक्शन लेना चाहिए। तो समाज को ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये जो नेश जो हमको जो 3 ईयर्स के लिए जो किया है वो हम लोग का जो इशू का मैटर में नहीं है। आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहना। या हम लोग ने मीटिंग रेजोल्यूशन लिया कि कोई आपस में अगर हम और प्रेसिडेंट अगर नाराज है तो हम मीडिया में नहीं जाना, हम लोग क्लोज डोर में बात करना है। हम लोग माना है ये ऑर्डर को माना है, तो आप उसको भी ले लीजिए। तो हमारा तो वही पॉइंट को लेके है आज का मेरा ब्रीफिंग। बात बाकी जितना भी है हम अपील करेगा कि इलेक्शन को जल्दी डिक्लेयर किया जाए। प्रेसिडेंट अंशु।